स्मोकी स्मोकी बैगन का भरता। तो आज मेरे किचन में बन रहा है स्मोकी फ्लेवर्ड बैगन का भरता, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। चलते हैं मेरे किचन की तरफ और जल्दी से इसे बनाते हैं। तो यहाँ लिए हैं मैंने 3 बैगन बड़े और इनको मैंने बीच से कट कर देना है कीड़े देखने के लिए कि इसमें अंदर कीड़े होते हैं कि नहीं। इतना कट काफ़ी होता है लगाने के लिए और देखने के लिए कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अंदर कुछ है या ख़राब तो नहीं है बैगन। और बस इसके अंदर हमें डाल देनी है 2 हरी मिर्च, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है इसमें मिर्चों में। तो इसीलिए मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है जिससे कि ये साथ में रोस्ट हो जाएंगी तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और बस इसे ले चलते हैं गैस के चूल्हे की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा तेल। तो सरसों का तेल मैंने ऊपर से इसमें कोट कर देना है 3 बैगन में जिससे कि बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। और कच्चा ही तेल है, ये पक जाएगा जब रोस्ट होगा, तो सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बैगनों में। और बस ये भुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रखा है एक गौज, तो आप इसको डायरेक्ट चूल्हे पर रख सकते हो। और बस इसको हमें इसके ऊपर रख देना है और आँच को हमें कर देना है कम, और इसको धीरे धीरे आँच पे हमें इसको भुनने देना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इसको पलटते रहना है जिससे कि ये हर तरफ अच्छे से भुन जाए, तभी तो इसमें फ्लेवर आएगा, एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो मिर्चे की तरफ हमें सबसे बाद में रखना है क्योंकि मिर्च जो होती है वो पतली होती है और वो जल्दी से जल भी सकती है, इसीलिए जले ना। हमने इसके ऊपर लगाया है ऑयल, एक तरफ से ये गल चुका है, दूसरी तरफ से इसको गलाना रह गया है बस। और ये किनारे था इसीलिए इसको मैंने बीच में कर दिया है जिससे कि ये अब गल जाए। चटक चटक के ये पक रहा है क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया था ना, इसीलिए अब तो सोधी सोधी से खुशबू भी आने लगी है इसमें। ये देखिए ये पक चुका है, ये भी बाकी है, ये भी थोड़ा सा पक चुका है, नीचे रह गया है थोड़ा सा, लेकिन ये भी नीचे ऑलमोस्ट पक चुका है। अब जिस तरफ से हमने इसकी मिर्चा रखी थी उस तरफ का करके हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जिससे कि मिर्चा जो है वो भी रोस्ट हो जाए। तो इसकी भी मिर्चा अभी रोस्ट नहीं हुई है तो मैंने इसको रख देना है इसे। तो ये वाला और ये वाला हो चुका है, तो इसको हम उतार लेंगे, इस वाले को थोड़ी देर रखा रहने देंगे ताकि ये हो जाए, उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें रखा हुआ था। अब इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, इसमें से भी मिर्च निकल आई, इसको अंदर डालेंगे और इसको दो तरफ से पका लेंगे, फिर लास्ट में इस तरफ से पका लेंगे। 1 बाद ये देखिए ये भी पक चुका है, इसको अब हम उल्टा करके 2 के लिए पका लेंगे, 1 के लिए पका लेंगे। एंड देन ये हो चुका है, मिर्चा भी अंदर से रोस्ट हो गई है, तो अब हम इसको डाल लेंगे, गैस कर देंगे ऑफ। ये भी तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो करेंगे हम कुछ और मटेरियल फ्राई, उसके लिए हम करेंगे गैस ऑन और उसमें हम रखेंगे पहले स्लो फ्लेम कर ले। अब हम इसमें रखेंगे ये एक लहसुन की पूरी कली और रखेंगे इसमें हम टमाटर। तो मेरे पास आज छोटे ही टमाटर हैं तो मैं छोटे ही टमाटर रख रही हूँ, लो भाग गया वापस पकड़ के इसको मैंने रख दिया। और इसमें अब रखेंगे ये 4 टमाटर, तो 3 बैगन के लिए 4 टमाटर काफ़ी है। और अब हम इसको करेंगे रोस्ट, तो इसको हल्की आंच पे कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। और हाँ, इसमें मैं तो लगाना भूल गई थोड़ा सा ऑयल ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, वो भी सरसों का तेल। तो ये भी मैंने इसमें लगा दिया, अब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये शुरू हो गया रोस्ट होना और अब हमें इसको पलटते रहना है ताकि ये किधर तरफ से भी ना जले।
ओ इसमें तो आग ही लगी जा रही है। इसको थोड़ा सा किनारे रख देंगे ताकि ये किनारे से आज पाके ही पके। अब तो उतना ही रोस्ट करना है जितना हम देखें कि इसका छिलका उतरने लगा। और ये देखें इसका छिलका एकदम अलग हो रहा है। तो ये रोस्ट हो चुका है और बाकी के भी होने वाले ही हैं। ये भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुकी है। कलियाँ इससे आराम से निकल आए। तो बस हो चुके हैं सब चीज़ें रोस्ट। तो हम अब इसको ऑफ कर देंगे। इन सबको भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब आई चॉपिंग की बारी। अब हम इसकी कवरिंग उतार लेंगे। ये काफ़ी गर्म है अभी। आराम से इसकी हम तो इसकी कवरिंग अब हम उतार लेंगे। जितना भी इसका छिलका है जल चुका है, ये आराम से उतर जाएगा। बस हाथ बचा के इसको करना है और जितनी भी मिर्चा है ना सब निकाल लेनी है बाहर। एक बैगन पूरा छिल चुका है। पता नहीं लोगों को बैगन क्यों नहीं पसंद आता, मुझे तो बहुत पसंद है। खिड़की बंद कर दे रहे हो। इसी तरह दूसरी भी मिर्चा निकाल लेंगे जो हमने रोस्ट की थी। और इसका भी छिलका हम उतार लेंगे। ये दूसरा भी बैगन हो गया है। अब इसकी भी हम ये जो डंडी होती है ये निकाल लेंगे। कैलेक्स कहलाती है ये भी हो गया है। और इसका भी हम ये पूंछ इसकी काट लेंगे। तो बैगन मैंने पहले ही चेक कर लिए थे। अब इसको थोड़ा सा चाकू से ऐसे कर लेंगे ताकि इसके बहुत छोटे छोटे से पीसेस हो जाए। भाई भरता बना रहे हैं तो इसका तो भरता निकालना ज़रूरी है। तो अच्छे से इसको हम ऐसे चॉप कर लेंगे, कुछ कह लीजिए। छोटा छोटा पीस इसका हमें करना है बस। तो इसकी क्वांटिटी कम हो गई है थोड़ी सी। तो ये हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तब हम इसे एक प्लेट में उठा लेंगे। गरम है ये अभी भी। और इसी में अब हम काटेंगे ये प्याज और जितनी भी हमने बाकी के टमाटर और लहसुन रोस्ट किए थे वो काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए इसका भरता ये निकल आया है। पोछना नहीं है, बस इसी में अब हम ये जो निकाला था, ये जो ये निकाली थी, इसको भी अब हम लंबा लंबा पीस काट लेंगे। ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ गया होगा। और हाँ, जब इसको हम रोस्ट करते हैं ना तो इसका थोड़ा सा जो फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। फ्लेवर मीन्स जो इसका तीखापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही खा सकते हो, ये बहुत कम तीखी रह जाती है। लेकिन जो रोस्ट हो जाता है तो उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है, तीखापन कम हो जाता है। और इसका जो रोस्ट का भुना हुआ वो होता है ना, बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। बस ये कट चुकी है, इसको हम लगाएंगे साइड में और इसके ये जो है ये निकाल लेंगे। आई बारी टमाटरों की। तो ये इसके छिलका निकल आया है। ऊपर पार्ट इसका हम हटा देंगे, सबके हम छिलके छील लेंगे। रोस्ट की हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। बहुत आराम से इसके छिलके उतर रहे हैं। बाकी का ऊपर का पार्ट थोड़ा हार्ड होता है तो नाइफ से आप रिमूव कर दीजिए। हाथ से फिसल रहा है, इसमें ऑयल लगा था इसीलिए हाथ में धो लूँ, बहुत गंदे हो रहे हैं। अब बारी आई इसकी, इसको मैंने बीच से कट कर देना है। इधर छड़ रहा है
और इसके जो अंदर के पीसेस है वो निकाल लेने। आसानी से निकल लें पीसेस इसके, बस थोड़ा हाथ गंदा हो जाएगा और कुछ नहीं। उसको मैं निकाल लेती हूँ पहले, ठीक है। इतने से लहसुन निकालने में मेरे हाथों की बैंड बज गई, ये देखिए काले हो गए हाथ। तो इसको मैं धो लेती हूँ और अब मेरे हाथ हो चुके हैं साफ। और अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे चॉप। तो जितना लहसुन निकला है सबको हम अच्छे से थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। बड़े भी पीस रह जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ये हो गए चॉप, तो लहसुन हो गया चॉप, मिर्चा हो गई चॉप। अब रह गई बात टमाटर होगी, तो टमाटर को भी हम छोटा छोटा पीस कर लेंगे। इसको आप काट लो बस, वही बहुत है। ये अपने आप ही गल जाता है, जब सब्ज़ी में जाएगा तो ये अपने आप ही गल जाएगा। तो बस हमने इसको ऐसे ही काट लेना है। तो ये कट चुके हैं, तो अब हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। और कढ़ाई चढ़ने से पहले ये मैंने काट के रखी थी दो मीडियम साइज़ की प्याज, तो प्याज हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये आ गई है हमारी कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि जो बैगन का भरता है ना सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। और इसमें अब जाएगा ये आधी चम्मच सरसों का तेल, तो आधी चम्मच और मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि जो भरता है वो ज़्यादा तेल में ही अच्छा लगता है। तो एक चम्मच मैंने इसमें डाला है और अब हम इसको ऑन कर देंगे। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग मैंने ली है आधी चम्मच, एक तिहाई चम्मच मैंने ली है, और इसमें मैं डाल दूंगी। और फौरन इसके बाद जाएगी ये प्याज, और जल्दी से हम इसको घुमा देंगे ताकि ये जले ना प्याज। थोड़ा भी तेज़ी आंच पे रहने देना है हमने इसको, ताकि प्याज जो है वो हल्की सी गल जाए। हमें पूरी नहीं गलानी है, ना हमें इसमें ब्राउनिंग लानी है, बस हल्की सी गला देनी है, बाकी ये सब्ज़ी के साथ गलेगी। तो एक एक करके अब हम इसमें सामान डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये बैंगन का भरता, जो हम लोगों ने फ्राई किया था रोस्ट करके बनाया था। अब कर देंगे इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम। अब ये पकेगा बहुत ही धीमी आंच पे, जो बच्ची कोई कुची कसर इसकी होगी वो सब इसमें निकल जाएगी। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और सामान। ये जाएगा इसमें लहसुन, मिर्च और टमाटर। ये जाएगी इसमें आधी चम्मच टर्मरिक। कभी कभी क्या होता है ना, एकदम से नाम भूल जाती हूँ मैं कि इस मसाले का क्या नाम होता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सबके साथ ही होता होगा। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। कभी हिंदी नाम याद आ जाता है तो कभी इंग्लिश में नाम याद आ जाता है, हो जाता है। तो इसे हल्के आंच पर पकने देना है। और इसमें अब हम डालेंगे नमक। ये जाएगा इसमें एक तिहाई सफ़ेद नमक और आधा चम्मच ये काला नमक। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। जो काला नमक होता है ना, मेन फ्लेवर इसी से आता है, और जब इसे मिल जाता है ना, इसके बाद जो इसमें महक शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी महक लगती है। अब हमें इसको अच्छे से कर देना है भुनाई। जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, और इतनी ही आंच पे भूनना है, ज़्यादा नहीं, स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको भूनते रहना है, जिससे कि जितनी भी कच्ची चीज़ें हैं वो अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि इसका टेक्सचर कैसा हो गया। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, जब तक कि मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ।
और सबसे मेन बात, इसे हमें ढक के नहीं पकानी है। जैसे भिंडी नहीं ढक के पकाते ना, वैसे ही इसके साथ भी होता है। जो बैगन का भरता होता है ना, ये ढक के बिल्कुल नहीं पकाया जाता है। बस इसको आप भूनते रहिए लगातार, हर 30-30 सेकंड पे, 15 सेकंड पे इसको बस भूनिए। और ये देखिए, इसमें तेल निकलने लगा है, तेल ऊपर आने लगा है धीरे धीरे। और इसी वक्त हम डालेंगे इसमें ये ताज़ा ताज़ा धनिया। तो जब तक ये और फ्राई हो रहा है, हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया। तो मैं चॉप करके आती हूँ। तो अब इसमें जाएगा ये ढेर सारा धनिया, हरा धनिया। और बस इसे हमें मिला लेना है, थोड़ा सा धनिया का भी फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। तो जब भी आप बैगन का भरता बनाने के लिए बैठे ना, तो सारे इन्ग्रीडियंट रखिएगा, क्योंकि कोई भी इन्ग्रीडियंट एक भी मिस हुआ ना, तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो बस ये तैयार हो चुका है, इसको एक मिनट के लिए और पका लेंगे। और बस ये तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे करेंगे सर्व। तो ऑफ हमने कर दी फ्लेम, ये आ गई मेरी फेवरेट प्लेट। और अब हम करेंगे इसमें सर्व बैगन का भरता। तो आराम से धीरे धीरे हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। सजाने के लिए एक साइड में कोरिएंडर लीव्स, और ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे हम और धनिया। और ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी सी बैगन का भरता। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये। अच्छा, एक सीक्रेट बताऊँ, जब भी मैं भरता बनाती हूँ ना, तो इसे मैं बासी रोटी के साथ खाना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है यार, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। बस ये तैयार हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। इसको आप बासी रोटी के साथ एक बार खा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो खाते रहिए और बनाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।